रंग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तू छत पर आ जा गोरिये जिंद मेरी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करो। इस शेर के साथ दिलीप साहब अपनी आत्मकथा की शुरुआत करते हैं। निश्चित तौर पर जब भी अपने विषय में कुछ लिखा जाता है तो एक कसक बाकी रह जाती है, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ कहने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा या कुछ कहने से बात तो नहीं भटक जाएगी। यूं तो कला किसी मजहब की गुलाम नहीं, लेकिन कला और व्यवसाय के तालमेल में बहुत से समीकरण होते हैं। दरअसल कई लोग शायद ना जानते हों, लेकिन आपको बता दें कि दिलीप कुमार का पहला नाम यूसुफ खान था। यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने तक का सफर आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आचार्य श्रीवास्तव। दिलीप कुमार एक संपन्न परिवार से थे और फिल्मों से उनका नाता कुछ नया नहीं था। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज कपूर जिनके पिता उस वक्त के स्थापित अभिनेता थे, दिलीप साहब के बचपन के मित्र थे। ये बात सच है कि फिल्मों में जाने को लेकर उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान बहुत सख्त थे। उस वक्त फिल्मों में हीरो बनने के लिए संघर्ष कम था, क्योंकि उर्दू की जानकारी, खूबसूरत चेहरा मोहरा और ठीक हाव भाव भी योग्यता के दायरे में आते थे। ये काबिलियतें दिलीप साहब के पास थी, बस डर था पिता की नाराजगी का। 1940 के दशक में दो घटनाएं एक साथ हुई, लेकिन कम ही लोगों ने इन्हें साथ में जोड़कर देखा। हम सभी जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में आपसी खींचतान की पुरानी कहानी है। एक तरफ से यूसुफ खान का फिल्मी दुनिया में पर्दापण और देविका रानी द्वारा उनका नाम परिवर्तित कर दिलीप कुमार करने का इन दोनों घटनाओं से संबंध है। दिलीप साहब देविका रानी की उनकी मुलाकात के बारे में बताते हैं कि देविका ने कहा, यूसुफ मैं तुम्हें एक अभिनेता के तौर पर लॉन्च करने के बारे में सोच रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम अगर अपना स्क्रीन नेम बदल लो तो ये कोई बेकार आइडिया नहीं है। एक ऐसा नाम जिससे आप जाने जाएंगे और जो आपके दर्शकों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। एक ऐसा नाम जो कि स्क्रीन पर दिखने वाली आपकी रोमांटिक छवि के अनुरूप होगा। मुझे लगता है कि दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। यह मेरे दिमाग में तब आया जब मैं आपके लिए उपयुक्त नाम के बारे में सोच रही थी। यह आपको कैसा लगता है? इससे पहले भी अपने एक इंटरव्यूज में वो इस प्रकार के किस्से का जिक्र कर चुके थे जिन्हें अलग अलग तरह से छापा गया। इसी में एक किस्सा ये भी है कि उनके सामने तीन नामों का प्रस्ताव था। पहला नाम था जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार, और निजी तौर पर उन्हें जहांगीर नाम पसंद आया था, लेकिन देविका रानी को दिलीप कुमार नाम पसंद था। दिलीप साहब का ये भी कहना था कि पिटाई के डर से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिटाई के डर से अपना नाम बदला था। उन्होंने कहा था, मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था लाला बंसी शरनाथ। इनके बेटे पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे। मेरे पिताजी अक्सर उनसे शिकायत किया करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है, तुम्हारा नौजवान और इतना सेहतमंद लड़का देखो क्या काम करता है। इस बात से ये भी स्पष्ट होता है कि कपूर खानदान से दिलीप साहब का परिवार जुड़ा हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके वालिद फिल्मों के खिलाफ थे। दादा साहेब फाल्के की पूरी जीवनी फिल्मों के खिलाफ समाज की सोच से अटी पड़ी है। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। दिलीप साहब के समय तक हालात बदल गए थे, फिल्में लोकप्रिय हो रही थी और अच्छे कलाकारों की जरूरत थी। 1944 में दिलीप साहब की पहली फिल्म ज्वारभाटा आई थी, यानी आजादी से पहले, लेकिन ये वो दौर था जब आजादी की आहट शुरू हो गई थी और साथ ही बंटवारे की भी, जिन्ना और नेहरू के खेमे आमने सामने थे। 1940 में दिलीप कुमार पहली बार ही देविका रानी से मिले थे। 24 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पहली बार पाकिस्तान रेजुलेशन प्रस्तावित किया गया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने यहां पहली बार खुले तौर पर भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। भारत में वैमनस्यता के इतने गंभीर बीज इससे पहले नहीं बोए गए थे, लेकिन अंग्रेजों की चाल और जिन्ना की सियासी भूख ने पूजा पद्धति की दूरियों को और भयानक दूरियों में परिवर्तित कर दिया था। निश्चित तौर पर उस समय भारत में हिंदू जनमानस में किसी मुस्लिम कलाकार की स्वीकार्यता
कम ना हो जाए इसकी चिंता देविका रानी को थी। ये एक महत्वपूर्ण वजह थी कि उन्होंने यूसुफ खान की नाम उनकी पसंद के जहांगीर रखने की बजाय दिलीप कुमार रखने पर जोर दिया। यूं तो उनके नाम परिवर्तन पर कई थ्योरीज रखी जाती हैं, लेकिन सत्यापित संदर्भों में से ये साफ है कि उस समय हिंदू मुस्लिम समुदायों में एक वैमनस्यता का माहौल पैदा हो रहा था। अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग परवान चढ़ रही थी, वहीं देविका रानी अशोक कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने हिंदू नाम यूसुफ खान को दिया, और वो भी अशोक कुमार से मिलता जुलता, यानी कि दिलीप कुमार। कैसा लगा आज का हमारा ये किस्सा? और भी किस्से सुनने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।